सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और मेरी यूट्यूब चैनल स्काई एक्सपेरिमेंट में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है हम स्टडी से रिलेटेड बनाने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि हमारे घर में LED होता है या फिर CFL होता है, ट्यूबलाइट होती है, तो उसकी जो रोशनी होती है हमारे आँखों पर पड़ती है तो हमारी आँखें ख़राब हो जाती हैं। और इस टाइम मतलब हम ये बनाने वाले हैं कि जैसे फ्रेंड्स हम मतलब लैंप होता है, तो ये जो लैंप है इससे हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम जो LED यूज़ करने वाले हैं वो मतलब जो हमारी लाइट होगी वो नीचे ही रहेगी और हमारे आँखों पे नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हम ऐसे लिखते हैं तो जो हमारी ऊपर की लाइट होती है हमारे आँखों पर पड़ती है और नीचे जो हमारा बुक रहता है कॉपी रहती है उसमें भी पड़ती है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो लाइट है वो हमारे बस बुक पे या कॉपी पे पड़ेगी तो हम उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। और इसका यूज़ बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसको कैसे बनाना है आप लोग उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और अगर मेरे चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे ही छोटे मोटे गैजेट प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा अपने दिमाग से। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलिए इसको कैसे बनाना है आपको बताएंगे, इसका वायरिंग और इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स यूज होंगे उसको भी बताएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एडिटर इंट्रो लगाया जाए। Sky experiment. ये हमारे पास दो बॉक्स है तो इसमें से हम इसका यूज़ करेंगे। इसको साइड में रख दे रहे हैं, तो इसमें एक बॉक्स लगेगा हमको बनाने के लिए और एक मेरे पास बैटरी है। आप 3.7 वोल्ट की कोई भी बैटरी ले सकते हैं, बैटरी का यूज होगा। और स्विच के बाद हमारा एक LED बल्ब है, LED बल्ब को लेंगे। और एक हमारा ये पिन है, चार्जिंग पिन को, इससे हम बैटरी को अपने चार्ज करेंगे। और ये डायोड और रेजिस्टर, और उसके बाद एक चार्जिंग बल्ब और वायर का यूज, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। और इसको हमको यहाँ पे सेट करना है, मतलब ये पूरा खाली रहेगा, इसमें कुछ हम ताम झाम नहीं करेंगे इसमें। उसके बाद हमको बस इसमें पूरा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये स्विच है स्विच सेट होगा, बल्ब सेट होगा अंदर से यहाँ पे, और उसके बाद ये पिन है, सब कुछ सेट होगा। आपको आगे पूरा वीडियो में कैसे बनाना है पूरा बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इसका वायरिंग देख लीजिए, कैसे इसका वायरिंग करना है। इसको साइड में करते हैं और इसका मैंने वायरिंग यहाँ पे बनाया है। तो वायरिंग के लिए पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे बैटरी है और बल्ब है और ये स्विच है, स्विच के बाद यहाँ पे जो चार्जिंग बल्ब है वो है, और उसके बाद यहाँ पे पिन है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डायोड है और यहाँ पे रेजिस्टर है। तो फ्रेंड्स पहले जो हमारा ये चार्जिंग बल्ब है, चार्जिंग बल्ब को यहाँ से हम लाए हैं रेजिस्टर से डायरेक्ट ये पिन के प्लस में आ गया है, और जो बल्ब का माइनस है वो भी पिन के माइनस में आ गया है, और यहाँ पे जो डायोड है डायोड का माइनस यहाँ पे आ गया है पिन के माइनस में, और यहाँ जो बैटरी का प्लस है वो भी आ गया इसके प्लस में। तो इसमें प्लस माइनस होता नहीं है फिर भी, लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर कलर का एक लाइन दिया जाए उसको हम देख के बता सकते हैं। और यहाँ पे जो स्विच का है, स्विच का भी आप देख सकते हैं वायर यहाँ पे, इसमें स्विच में प्लस माइनस होता नहीं है, तो आप इसको प्लस से जो बल्ब का प्लस है प्लस से लाते हुए बैटरी के प्लस में ला देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हो गया कंप्लीट, यहाँ पे इसको बता देंगे, और यहाँ बैटरी का जो माइनस है माइनस उसमें ला देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, आपको मैं फ़ोटो नीचे PDF में दे दूंगा। और यहाँ पे अब जो सारी चीज़ है इसको हमको यहाँ पे पूरा वायरिंग करके सेट करना है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा, आप लोग को कैसे पूरा करना है आप लोग उसको देखते रहिए। तो हम यहाँ पे जो हमारा जब सिस्टम है, ये पूरा स्विच है और पिन है और ये LED बल्ब है, ये सब तो बाहर से लगेगा, तो इसका मैं मार्किंग करके इसको गर्म करके काट ले रहा हूँ और इसको इसमें लगा दे रहा हूँ। तो इसको पहले हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच अपना, स्विच के लिए हम इसको काट लेंगे यहाँ पे गर्म करके, स्विच को लगा देंगे, और एक हमारा यहाँ पे LED बल्ब रहेगा ये छोटा वाला, और पिन के लिए हम सर्कल में काट लेंगे। तो इन तीनों को हम यहाँ पे पहले सेट कर ले रहे हैं, और उसके बाद जो हमको पूरा सेट करना होगा और सोल्डिंग करना होगा हम पीछे करेंगे। तो पहले मैं इसको काट के सेट कर ले रहा हूँ। 5 minutes later. इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो बटन है इसको मैंने लगा दिया और पिन को लगा दिया है। इसको गर्म करके मैंने काटा था तो गर्म करके काट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी मैंने काटा है, और पिन को चाकू से गर्म करके काटा है, इसको भी चाकू से गर्म करके गैस पे काट दिया है। तो फ्रेंड्स अब इसको हमको यहाँ पे बैटरी सेट करना है और बल्ब सेट करना है और ये चार्जिंग बल्ब सेट करना है, उसके बाद ये डायोड सेट करना है, और डायोड के बाद एक रजिस्टर है, रजिस्टर का सेट करना है हमको। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी हम यहाँ पर सोल्डिंग कर ले रहे हैं, तो आपको आगे वीडियो में कैसे क्या करना है बताएंगे। पहले हम इसको यहाँ पे बैटरी को चिपका लेंगे डबल टेप से, तो इसको पहले मैं काट ले रहा हूँ इतना लंबा, इसको काट के यहाँ पे ऐसे अच्छे से इसको चिपका लेंगे। यहाँ पे आ गया है खर्चा यार, इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको यहाँ पे, अरे नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे अच्छे से, और इसको लगाने के बाद यहाँ पे बल्ब को भी सेट कर लेंगे इसी पे, तो इसको मैं बल्ब को भी यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ।
इसके लिए भी हमको डबल टेप काटना पड़ेगा। तो कट यार कट गया। तो फ्रेंड्स आप लोग यार कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा ये मतलब लगा आपको। छोटा सा ही वीडियो है, आप लोग कंप्लीट वॉच करिए। ये भी चिपक गया हमारा। तो अब बाकी क्या है, ये तीन चीज़ बाकी है, तो इसको हमको यहाँ पे सोल्ड करना है। और जो इसको मैंने टेढ़ा किया है यहाँ पे, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। तो आप लोग इसको पहले लगा के LED से चेक कर लीजिएगा इसमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। काम जो सोल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप वायरिंग देख लीजिए इसका। तो वायरिंग में ये जो है तीन वायर इसके आए हैं। तो यहाँ पे जो चार्जिंग का बल्ब है उसका वायर माइनस वाला है, और यहाँ पे बल्ब का माइनस वायर आया है, और बैटरी का माइनस वायर, और सब एक में आ गए हैं। और यहाँ पे पिन का माइनस वायर सब एक में है। तो और उसके बाद ये जो चार्जिंग का बल्ब का प्लस वाला वायर है इसमें 1 KB रजिस्टर में, रजिस्टर के जाने के बाद इसमें आया है चार्जिंग के प्लस पॉइंट में। प्लस पॉइंट से यहाँ पे डायोड है, डायोड के पॉइंट से इसमें आया है स्विच में, स्विच का ये जो पॉइंट है इसमें से हमारा बैटरी का प्लस गया है। तो और इसको यहाँ पे हम जो बीच में है इसी प्लस के मतलब ये जो डायोड का प्लस है, जो पिन का प्लस है, इसमें हम जो ये रजिस्टर है उसका प्लस डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो हमारा बल्ब का प्लस वाला वायर है इसको हम स्विच में डाल दिए हैं। तो सिंपल सा वायरिंग है, आपको मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसका वायरिंग आपको मिल जाएगा, वो ड्राइव का फोटो रहेगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमारा चार्जिंग जो बल्ब है, लेकिन अब इसको हमको ग्लू से पूरा चिपकाना अच्छे से, क्योंकि ये देखिए वायर ये ऊपर है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे क्योंकि इसको लंबा चलाना है और इसको हम खुद यूज करेंगे, तो इसीलिए हम इसको पूरा अच्छे से बना रहे हैं। और उसके बाद हम इसको पूरा बॉक्स पर ऐसे सेट करेंगे और ये अच्छे से हमको रोशनी देगा चारों तरफ से। तो इसको पहले हम इसको ये जो है इसको पूरा ग्लू से चिपका लें, तो इसको ऊपर हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये अंदर पूरा इसका सिस्टम है और इसको मैंने ग्लू से पूरा चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद अब मैं इसको चेक करके दिखा दे रहा हूँ ये चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज हो रहा है। तो मैं इसमें अभी चार्जिंग कनेक्शन दे रहा हूँ, ये मेरा चार्जिंग कनेक्शन है। तो अब इसको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब हमारा बैटरी जो है चार्ज हो रहा है। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से चार्ज हो रहा है। और इसको मैंने जो यहाँ पे किया था इसके ऊपर भी ग्लू डाल दिया, और जो ब्लू वाला है अब इसको मतलब ये ऊपर दिख नहीं रहा है, इसको मैंने अंदर ही डाल दिया है। और अब इसको निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमारा बैटरी पहले से ही चार्ज है, तो ये बंद हो गया है। और अब इसको हम यहाँ से चालू करेंगे तो ये देखिए अच्छा उजाला दे रहा है, क्योंकि अभी स्टूडियो में भी लाइट जल रही है तो उतना आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो मैं अभी स्टूडियो का लाइट जो है इसको बंद करूँगा, और उसके बाद ये देखिए ये बंद हो गया अच्छे से। और यहाँ पर इसका जो स्विच है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसको ये देखिए यहाँ पे अच्छे से जल रहा है पूरा। और इसमें जो रोशनी है हमारे आँखों पे नहीं आएगी और हमारे आँख हमेशा सेफ रहेगी। जो हमारा ट्यूबलाइट होता है, पहले मैं शुरू में ही बताया था, वो सब हमारी आँखों को ख़राब कर देता है। तो इसको जब हम ऐसे बैठ के लिखेंगे तो हमारी जो कॉपी होती है उस पर ही इसकी रोशनी रहेगी, और ऊपर से जो हम मतलब सर हमारा तो ऊपर रहेगा तो हमारी जो आँख है उस पर रोशनी नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूजफुल है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। तो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कुछ कॉपी वॉपी ला के इसका रोशनी कितना है, और स्टूडियो को लाइट बंद करके। हमारे पास कुछ बुक्स और कॉपी आ गई हैं, तो मैं अभी इसका जो है टेस्ट करके दिखाऊंगा ये कैसे मतलब वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इसकी रोशनी भी मैं दिखाऊंगा, और पहले इसको मैं अब चालू करता हूँ, और जो यहाँ पे लाइट जल रही है मेरे यहाँ पे, और इसको मैं बंद करके इसको चालू करके दिखाऊंगा। तो चलिए, सो फ्रेंड्स इस टाइम पूरा अंधेरा है यहाँ पे, तो मैं चालू कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ये चालू हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए इसको देखें यहाँ पे पूरा अच्छे मतलब अच्छे से दिख रहा है पूरा अच्छा। हम एक मतलब साथ में बैठ के कुछ लोग पढ़ाई कर सकते हैं इससे, और हमारे जो आँख है आँख पे इसका जो रोशनी नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सर है इसके ऊपर रहेगा, तो ये जो रोशनी है नीचे ही रहेगी। और इससे यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा हम इस पढ़ाई कर सकते हैं, बुक को बुक की जो है सब कुछ यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, तो हम इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं।
पूरा अच्छे से, ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और आप लोग इसको ज़रूर बनाइए और अपने आँखों को बचाइए इससे, जो रोशनी होती है ख़राब रोशनी जो हमारे घर में ट्यूबलाइट लगी रहती है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे आँखों को। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी और चालू कर दे रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब आप बताइए कमेंट में कैसा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है ये, और बीच में आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का एक बन रहा है, आँखों से दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ये पूरा हमारा कंप्लीट बन ही चुका है आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार इसका हम दिखा देते हैं। देखिए अच्छे से जल रहा है और चार्जिंग भी बहुत अच्छे से हो रहा है, एक घंटे या दो घंटे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी लगी इसमें। और बुक्स तो बहुत अच्छे से दिख रहे थे रात को, और आराम से दो तीन लोग इसके बीच में रख के इससे पढ़ाई कर सकते हैं। और ये तो हमारे आँख को बचाएगा ही, और ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, और इसको हम कहीं पर ले भी जा सकते हैं, पिकनिक पे या फिर टूर वूर पे हर जगह ले जा सकते हैं इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे।